हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूल व अस्पतालों के रास्तों पर अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की। जी हां, पंजाब के चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूल व शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के रास्तों पर अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी है। इंजीनियरिंग विभाग को इन संस्थानों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर गति सीमा बताने वाले साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बकौल ट्रैफिक के SSP मनीषा चौधरी, साइन बोर्ड लगने तक चालान नहीं काटे जाएंगे। हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा करने की सिफारिश की थी। टिकटॉक स्टार व बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक के बाद हुआ निधन। जी हां, टिकटॉक स्टार रह चुकी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के परिवार के एक सदस्य ने बताया कि फोगाट का सोमवार को गोवा में हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया है। फोगाट ने 2019 में हरियाणा की आदमपुर सीट से तत्कालीन कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वह बिग बॉस 14 में प्रतिभागी भी रह चुकी हैं। सोनाली ने अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आयुष चिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयुष चिकित्सकों के लिए 15,000 रुपए प्रति महीने तक की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आयुष क्षेत्र के विकास के लिए जल्द ही एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार पद्धति को सिखाया जाएगा। अब होम लोन पर देना होगा ज्यादा ब्याज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने महंगा किया कर्ज। जी हां, देश में बढ़ती ब्याज दरों के माहौल के बीच बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने लेंडिंग रेट में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। सैलरीज और प्रोफेशनल आयुर्वेदकों के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लेंडिंग रेट अब 7.70% से शुरू होगी, तो वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स 7.95% से शुरू होने वाले होम लोन ले सकते हैं। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब 5 जजों की बेंच करेगी इसकी सुनवाई। जी हां, शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अब यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेज दिया है। इस दौरान CJI ने कहा कि संविधान पीठ तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। अब शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पैगंबर मोहम्मद से नफरत करती है बीजेपी, विधायक के बयान पर बिफरे ओवैसी। जी हां, बीजेपी विधायक राजा सिंह के विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है। वो हैदराबाद में शांति नहीं चाहती है, बीजेपी मुसलमानों के साथ गलत करती है। मैं यहां का सांसद के साथ साथ एक नागरिक भी हूं। अमन की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। पैगंबर पर टिप्पणी के बाद विधायक टी राजा बीजेपी से हुए निष्कासित। जी हां, तेलंगाना के विधायक टी राजा को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। बता दें कि सुबह ही हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर पैगंबर मोहम्मद को लेकर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप है। इसके पहले भी बीजेपी नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करने को लेकर निष्कासित कर चुकी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।